होम्योपैथी के मुअज्जिद का नाम डॉक्टर हानेमन है, जो 1755 में सैक्सोनी में पैदा हुआ। इसका पूरा नाम सैमुअल क्रिस्टन फ्रीडरिश हानेमन था। इसे जबाने सीखने का बड़ा शौक था, चुनाचे इसने 8 जबानों पर उबूर हासिल किया। अभी इसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी कि इसने यूनानी ग्रीक जबान पढ़ानी शुरू कर दी और इस तरह छोटी उम्र में ही जबानों का उस्ताद बन गया। इसने लाइप्सिक अस्टरिया में डॉक्टरी पढ़नी शुरू की, फिर ये वियना गया और वहाँ से एलांगन गया, जहाँ 1797 में ये मेडिकल डॉक्टर बना और ड्रेस्डन में प्रैक्टिस शुरू कर दी। चूँकि प्रैक्टिस के दौरान ये गरीबों पर बहुत एहसान करता था, इसलिए इसकी आमद ज़्यादा नहीं थी, लिहाजा इसने प्रैक्टिस के साथ साथ जबानों के तर्जमे का काम भी जारी रखा। एलोपैथिक डॉक्टर बनने के 11 साल बाद इसने होम्योपैथिक तरीका इलाज दरियाफ्त किया। 6 साल ज़्यादातर अपने ऊपर और अपने करीबी अजीज़ों पर तजर्बे करता रहा और 1796 में पहली बार तिब्बी रिसालों में मजामीन के ज़रिए इसने अपने होम्योपैथी फलसफे से दुनिया को आगाह किया। 1810 में इसने पहली बार अपनी मशहूर आलम तिब्बी किताब शाया की, जिसे हानेमन का ऑर्गनन कहा जाता है, और 1811 ता 1821 के अरसा में इसने मटेरिया मेडिका तैयार की। इस वक़्त के तमाम रिवायती मुआलिजीन ने इसकी सख्त मुखालफत शुरू कर दी। 1820 में मुखालफीन के दबाव के नतीजा में हुकूमत ने इसके तरीका इलाज को गैर कानूनी करार देकर इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया, लेकिन पहले इससे कि इस फैसले पर अमल दरामद होता, इसने अस्टरिया के शहजादा कार्ल श्वार्ज़नबेक को लाइप्सिक बुलाकर कामयाबी से इसका इलाज किया। प्रिंस को इस इलाज से इतना फ़ायदा पहुंचा कि इसने अस्टरिया के किंग फ्रीडरिश से दरख्वास्त की कि होम्योपैथी के खिलाफ हर पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाए और आइंदा भी कोई पाबंदी ना लगाई जाए। मगर हानेमन की बदकिस्मती से यही शहजादा ठीक होने पर फौरन अय्याशी और शराब नोशी में मुब्तला हो गया और इसी साल फिर बीमार पड़ा तो एलोपैथिक इलाज शुरू किया, लेकिन थोड़ी मुद्दत में ही दम तोड़ गया। इसका सारा इल्ज़ाम अस्टरिया की हुकूमत ने हानेमन पर थोप दिया। इसका रियाया पर ऐसा सख्त रद्द अमल हुआ कि इसकी किताबें जगह जगह जलाई जाने लगीं और हानेमन को इस मुल्क से फरार होकर कोथन में पनाह लेनी पड़ी। यहाँ ड्यूक ऑफ कोथन ने इसकी सरपरस्ती की। वो 14 साल कोथन में रहा और इस अरसा में मुस्लिम बीमारियों पर गहरा तहकीकी काम किया। इस तहकीकी काम की पहली जिल्द 1828 में शाया हुई। 1830 में इसकी बीवी की वफात हुई और 1835 में इसने एक फ्रांसीसी खातून से शादी की और पेरिस मुंतकिल हो गया। 1835 से लेकर 1843 यानी अपनी वफात तक ये फ्रांस में रहकर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता रहा।